आग लगने से आधा दर्जन घर जलकर राख, 5 लाख से अधिक का नुकसान। खड़ी बस में भी आग लगने से इलाके में हड़कंप। मुजफ्फरपुर में एक दर्जन छठ घाटों की होगी बैरिकेडिंग, जिला प्रशासन ने इन घाटों को खतरनाक घोषित किया, जाल से कर रहे सफाई। नवादा में हथियार के बल पर लूट, 5 लाख के सामान लूटे, 4 की संख्या में घर में घुसे अपराधी, एक को लोगों ने दबोचा। मुजफ्फरपुर में श्री श्री माँ श्यामा काली मंदिर नवयुवक पूजा समिति द्वारा हर साल की भांति इस साल भी 61वां पूजन वत उत्सव धूमधाम से मनाया गया। शाम को होगी भव्य आरती, आप भी सम्मिलित हो ले माँ का आशीर्वाद। पहले पीटा फिर दौड़ाकर गोली मारी, भोजपुर में प्रेमिका से मिलने गए युवक की हत्या, साथ में गए दोस्त को भी पीटा। बेगूसराय में जुआ खेलने के विवाद में डबल मर्डर, रात भर जुआ खेल, सुबह विवाद हुआ तो दो पक्षों में ताबड़तोड़ फायरिंग, 5 को गोली लगी। बेतिया में 15 की मौत, परिजन बोले शराब पी थी, 4 की हालत गंभीर, पुलिस ने 2 महिलाओं को पकड़ा, थानेदार समेत 3 निलंबित। बेगूसराय में बहन की डोली उठने से पहले उठी भाई की अर्थी, 21 नवंबर को होनी थी बहन की शादी, सुबह गोली मारकर भाई की हत्या। भोजपुर में कोइलवर छपरा 4 लेन जाम, आगजनी और हंगामा, दीपावली की रात 8 साल के बच्चे की गोली लगने से हुई मौत, आज परिजनों का फूटा गुस्सा। बेटी की शादी के लिए रखे कैश, जेवर बर्तन राख, वैशाली में दीपावली की रात भीषण अगलगी में 2 दर्जन घर जले, सामान बचाने में 3 झुलसे। बक्सर में LGP जिला अध्यक्ष पर चुनावी रंजिश में जानलेवा हमला, बेहोश हुए तो मरा समझ छोड़ भागे हमलावर, 4 लोगों पर नामजद FIR। जहरीली शराब से मौतों पर लालू भड़के, बोले मुख्यमंत्री नीतीश, 2 शब्द संवेदना के भी प्रकट नहीं करेंगे, शराब माफिया नाराज हो जाएगा। वैशाली में युवक को पड़ोसी ने मारी गोली, गंभीर स्थिति में सदर अस्पताल से पटना रेफर, आपसी विवाद में चली थी गोली। प्रकटियागंज में 6 झोपड़ियां जलकर राख, 2 लाख की क्षति, पटाखे से आग लगने की आशंका, रोड खराब होने के कारण दमकल हुई लेट, लोग नाराज। जहरीली शराब से मौत पर गोपालगंज से बेतिया तक कोहराम, थाना अध्यक्ष सस्पेंड, कई और लोगों पर गिर सकती है गाज। तारापुर और कुशेश्वर स्थान के नतीजों पर बोला JDU, जाति और मजहब की राजनीति करने वाले हुए खारिज। सीतामढ़ी में छठ घाट बनाने गए 2 बच्चे डूबे, दिवाली की शाम डूबे दोनों, नदी से निकाला गया 1 का शव, दूसरे की तलाश जारी। लालू की किडनी की बीमारी बढ़ रही, ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर के डॉक्टरों से भी चल रही बातचीत, अभी दवा के बल पर ठीक है। पूर्णिया में दिवाली की खुशियां, माता में बदली दंपति को 5 साल बाद हुई संतान, पटाखे से घर में आग लगी, 1.5 साल के बच्चे की मौत। वैशाली में मारुति एजेंसी के वर्कशॉप में लगी आग, मौके पर पहुंची 2 दमकल की गाड़ी, काफी मशक्कत के बाद निकाली गई गाड़ियां। बिहार में जहरीली शराब पीने से अब तक 26 की मौत, इस साल गई 70 की जान, कईयों ने गवाई आंखों की रोशनी। सुंदरनाथ धाम मंदिर में वर्चुअल संवाद से जुड़े प्रधानमंत्री, डिप्टी CM सहित सांसद, विधायक अररिया में रहे मौजूद, मंदिर के महाभारत कालीन इतिहास की दी जानकारी। नालंदा पुलिस ने 14 जुआरियों को किया गिरफ्तार, 2,13,000 रुपए की ताश पत्ते के साथ बरामद। VTR में बाघों की गिनती के लिए लगाए गए कैमरे, दिसंबर अंत तक पूरा हो जाएगा गणना का कार्य, कैमरे के रिजल्ट से अधिकारी खुश। वैशाली में इलेक्ट्रिक दुकान के गोदाम में लगी आग, शॉर्ट सर्किट में लगी आग, 9 लाख का सामान जल कर रहा। गया में 40 घंटे बाद मिला रिटायर्ड फौजी का बेटा, 25 लाख के फिरौती मांगी थी पुलिस, दबिश बढ़ी तो रेलवे गुमटी के पास छोड़कर भागे बदमाश। बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल बिहार PMCH में 6 माह से HIV और 5 दिन से लिवर फंक्शन टेस्ट बंद। 2021 में 90 मौत, जहरीली शराब की आशंका, शराबबंदी के बाद 125 की जान गई, अभी पंचायत चुनाव के कारण बढ़ी दारू की डिमांड। RJD नेता बोले CM की जिद ने ली जाने, शिवानंद तिवारी ने कहा नीतीश लाठी डंडे के जोर पर समाज को महात्मा बनाना चाहते हैं। दीपावली तक नहीं मिली बुलेट, BMP कर्मी की ली जान, खगड़िया में फौजी पति और उसके परिजनों पर आरोप, 2 साल पहले हुई थी शादी। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।